बात चंबा की कर लेते हैं, जहां पर मनोहर हत्याकांड पर सियासी बवाल बढ़ गया है। बीजेपी ने अब मनोहर हत्याकांड में आतंकवाद के एंगल को देखना शुरू किया है। हिमाचल का चंबा जम्मू कश्मीर से सटा हुआ है और ऐसे में पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है कि हत्या का आरोपी शरीफ मोहम्मद का चंबा में 1996 में हुए आतंकी हमले में कनेक्शन था और वो जांच एजेंसी के दायरे में था। जयराम ठाकुर ने कांग्रेस के बड़े नेता पर आरोपी को बचाने का आरोप भी लगाया। जयराम ने कहा कि सामान्य घटना नहीं है और किसी सामान्य व्यक्ति ने इसे अंजाम नहीं दिया है, यह असामान्य घटना है जिसने पूरे प्रदेश भर को झकझोर कर रख दिया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि इस घटना में मुख्य आरोपी मुसाफिर मोहम्मद, उसकी पत्नी फरीदा और अन्य 6 लोग हैं। जयराम ठाकुर का दावा है कि उन्होंने कहा कि आरोपी ने हाल ही में 2000 के नोट बैंक में एक्सचेंज करवाए थे। इसके बैंक अकाउंट में 2 करोड़ का डिपॉजिट है और आय का इतना साधन नहीं है। 3 बीघा की मिल्कियत है, कब्जा 100 बीघा जमीन पर है, उसके पास 100 बकरियां हैं पर हर साल 200 बकरियां बेचता है। आपको बता दें कि 1998 में चंबा के गांव में जब जम्मू कश्मीर के आतंकी घुस आए थे और 35 लोगों की हत्या की थी, उस मामले में भी इस आरोपी को जांच में शामिल किया गया था। आतंकी अपने साथ 7 लोगों को बंधक बनाकर भी ले गए थे जिनका आज तक कोई पता नहीं चला। अब बीजेपी को मनोहर हत्याकांड में टेरर कनेक्शन दिख रहा है और बीजेपी ने NIA जांच की मांग की है। वहीं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चंबा में हुए इस हत्याकांड पर दुख जताया और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही और चंबा की जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही बीजेपी पर इस मामले को सांप्रदायिक रंग देने का आरोप लगा दिया। अब 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, 3 तस्वीरें बता रही हैं चंबा में हुए हत्याकांड के बाद से क्या लोगों के अंदर गुस्सा है। राजनीतिक नेता अपने बयान इस वक्त दे रहे हैं। बीजेपी ने साफ साफ इसे टेरर एंगल से जोड़ा है और इसके पीछे NIA की जांच की मांग की है। वहीं कांग्रेस की सरकार का कहना है कि उन्हें दुख है लेकिन बीजेपी इसमें राजनीति कर रही है। क्योंकि आय का साधन, आय का जरिया इस प्रकार का नहीं है जिससे इतना बड़ा अमाउंट जो है बैंक के अकाउंट में उनके को, ये भी एक जांच का विषय है। इस आरोपी के पास जो जमीन है वो लगभग 3 बीघा के करीब है, जहां किसी को ना आने देता है ना रहने देता है, सरकारी जमीन है। अगर कोई भी गद्दी अपनी भेड़ बकरियों के साथ वहां पर आता है तो उसको धमकाता है। जहां ये रहता है वो 10,000 की ऊंचाई से भी थोड़ा ज्यादा वहां पर हाइट है, लगभग 10,000 की हाइट है। 6 फुट 5 फुट पर 4 फुट सामान्य रूप से वहां पर गिरती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये वहीं पर ही रहता है। और बहुत सारी चीजों को लेकर के शंकाएं बहुत जाहिर की जा रही है। और इसके पास जो माल है, माल यानी कि भेड़ बकरियां, लगभग 100 के करीब भेड़ बकरियां हैं, लेकिन ये भी सामने आ रहा है कि जो ये बेचता है, जो भेड़ बकरियों को जो बेचता है, उनकी संख्या लगभग 200। तो इस प्रकार के दृष्टिकोण से अगर वो राजनीतिक रोटियां सीखना चाहते तो ये गलत बात है। मेरा विपक्ष की पार्टी से भी ये अनुरोध है कि आप आइए, बैठकर बात करते हैं और निश्चित तौर पर हिमाचल का जो शांति प्रिय माहौल है उसमें, इस समय पर्यटक सीजन चल रहा है, उसमें किसी प्रकार का वातावरण ऐसा पैदा नहीं होना चाहिए।